ओम शांति। आज 23 मार्च 2000 का अव्यक्त संदेश। तो ये जो अव्यक्त वाणी की श्रृंखला थी हमारी 1999 और 2000 की, उसका लास्ट दिव्य संदेश है, या लास्ट वाणी है कहो इस सीरीज की। इसका टाइटल है, हर बात में ब्रह्मा बाप को फॉलो करने वाली ब्रह्माचारी बनो। आज आप सबके दिल की स्नेह भरी याद लेकर बाबा के पास वतन में जाना हुआ। तो जब मैं बाबा के पास पहुंची तो देखा कि बाबा बहुत गंभीर रूप में, जैसे किन्हीं विचारों में खोए हुए हैं। वतन में होते भी जैसे बाबा वतन में नहीं है। बाबा जैसे हमें देख भी रहे हैं, लेकिन देखते भी जैसे कोई बहुत डीप ख्यालों में, संकल्पों में है। बाबा के संकल्प तो श्रेष्ठ ही होते हैं। तो मैंने बाबा से पूछा कि बाबा, आज आप बहुत डीप सोच में हैं, क्या सोच रहे हैं? तो बाबा ने कहा, बाबा का सोच क्या चलेगा? जैसे आप बच्चे कहते हो कि बाबा ही हमारा संसार है, तो बाप भी कहते हैं बच्चे ही मेरा संसार है। तो बाप को और क्या सोच चलेगा? बच्चों के प्रति ही चलेगा। ऐसे कहने के बाद जैसे बाबा मुझे देखते भी दूर दूर कहीं दृष्टि दे रहे हैं। इतने में मैंने क्या देखा कि 5 दीपक लाइन में बहुत अच्छे चमक रहे थे। उनकी लाइट बहुत सुंदर थी। तो बाबा ने कहा, मैं क्या सोच रहा हूँ वो आप इन दीपकों से देखो। मैंने ध्यान से देखा तो हर एक दीपक के नीचे शब्द लिखे हुए थे। पहले पे था बाप के दिल के दीपक, दूसरे पे बाप के श्रेष्ठ संकल्पों के दीपक, तीसरे पे ब्राह्मण कुल के दीपक, चौथे पे विश्व के दीपक और पांचवे पे बाप समान बनने वाला दीपक। ऐसे 5 दीपक बहुत अच्छे जग रहे थे। फिर बाबा ने कहा कि तुमने समझा कि मैं क्या सोच रहा हूँ? जो भी बच्चे आज मीटिंग में आए हैं, विशेष उन बच्चों को देख रहा हूँ कि कौन कौन सा दीपक है। तो मैंने कहा, बाबा ये तो हर एक सब प्रकार के दीपक होंगे। तो बाबा ने कहा, नहीं, इसमें परसेंटेज है। ये बच्चे तो खास विश्व की सेवा के प्रति निमित्त है, ये भी बहुत बड़ा कार्य है। फिर बाबा थोड़ा राजयुक्त मुस्कुराए और कहा कि सभी कहते हैं इसमें हमारा भी नाम होना चाहिए, हमारा भी कोई पार्ट होना चाहिए। तो बाबा ने कहा, ये तो अच्छी बात है। तो जैसे इस मीटिंग में या कोई भी ऐसा विशेष कार्य होता है तो हर एक समझता है कि उसमें हमारा पार्ट हो तो अच्छा है। तो बाबा ने कहा कि ये बच्चे जो विशेष कोटों में, कोई कोई में भी कोई की लिस्ट में हैं, क्योंकि विशेष नाम ऑक्यूपेशन सहित आए हुए हैं। तो बाबा को इन बच्चों में से एक ग्रुप चाहिए जो सिर्फ ब्रह्मचारी नहीं लेकिन ब्रह्मचारी हो, ब्रह्मचारी नहीं लेकिन ब्रह्माचारी हो, कि ब्रह्मचारी तो दुनिया में भी बहुत होंगे ना, ब्रह्माचारी होना ये इम्पोर्टेंट है। तो हर बात में ब्रह्मा बाप को फॉलो करे, डबल अंडरलाइन। तो बाबा ने कहा, मुझे ऐसा ग्रुप चाहिए जो ब्रह्माचारी हो, हर बात में ब्रह्मा बाप को फॉलो करे। जैसे ब्रह्मा बाबा ने संपूर्ण बनकर अपना कार्य संपन्न किया, किसी को भी नहीं देखा कि ये बच्चा ऐसा है, ये ऐसा है, इसलिए मैं संपूर्ण नहीं बन सकता। नहीं, ऐसा तो कभी सोचा ही नहीं ना बाबा ने। हर पार्ट बजाते हुए संपूर्ण बने, संपन्न बने, ऐसे मुझे बनना ही है, डबल अंडरलाइन। ऐसा संकल्प लेने वाला ब्रह्माचारी ग्रुप चाहिए। तो इस ग्रुप में जो बच्चे स्वयं को समझते हैं, वो खुद अपनी चिट्ठी लिख कर दे कि कुछ भी हो जाए, लेकिन प्रैक्टिकल लाने में कोई अंतर नहीं लाएंगे। बच्चों ने ब्रह्माचारी ग्रुप की परिभाषा तो लेटेस्ट मूल्यों से सुनी ही है। तो उन सब धारणाओं के सामने, बाबा कहते हैं जो मूल्यों से सुना है ब्रह्माचारी के बारे में, तो उन सब धारणाओं को सामने रखते हुए अपना नाम दे कि मैं ब्रह्माचारी ग्रुप में प्रैक्टिकल करने के लिए तैयार हूँ। ऐसे अपनी चिटकी मीटिंग पूरी होने के बाद दादी जी को देकर जाए। फिर बाबा बहुत मीठा मुस्कुराए और कहा कि
कि बच्चों की चिटकियां भी बहुत आती है, वायदे भी बहुत करते हैं। बाबा के पास तो वायदों के, प्रतिज्ञाओं के, प्रीत लगाने वालों के, फाइलों के फाइल है। ऐसे प्रीत लगाने वाले तो 9 लाख भी होंगे, लेकिन बाबा चाहते हैं कि ये ग्रुप सिर्फ प्रीत करने वाला नहीं, प्रतिज्ञा करने वाला नहीं, लेकिन प्रीत निभाने वाला, प्रतिज्ञा निभाने वाला हो। तो जिसमें ऐसी हिम्मत हो वह अपना नाम दो। फिर बाबा कोई बहाना नहीं सुनेगा कि ये हुआ इसलिए थोड़ा ये हुआ। अभी बाबा ये सुनने नहीं चाहते हैं। कुछ भी हो लेकिन अपनी हिम्मत रखने वाले हो तो अपना नाम देवे। ऐसे कहते बाबा ने सभी को वतन में इमर्ज कर लिया और एक-एक को मीठी मीठी दृष्टि देते मुस्कुराते रहे। बाबा के मुस्कुराने से हर एक जैसे समझ रहा हो कि बाबा के पास मेरे लिए कुछ है। बाहर से तो बाबा कुछ नहीं कह रहे थे, लेकिन मीठा मीठा मुस्कुरा रहे थे। फिर बाबा ने कहा, याद प्यार तो पद्मा पदम 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 बच्चों के प्रति है ही, लेकिन अभी बाबा ये ब्रह्माचारी ग्रुप तैयार चाहता है। फिर बाबा ने सेवा के प्रति कहा कि सेवाओं के प्रति तो मुरली में सुनाया ही है, बच्चों ने सेवा तो बहुत की है, लेकिन अभी बाबा चाहते हैं कि कोई संगठन बनाओ, हर देश में ऐसे तैयार करो जो ग्रुप सेवा के निमित्त बनकर सेवा को और भी फैलावे, एक ही लहर एक ही टाइम पर सब देशों में निमित्त बन जाए, ऐसा संगठन हो। अभी तक सेवा जो बिखरी हुई है, बाबा कहते हैं इसकी एक माला बनाओ और वह माला अभी से वह कार्य करे। एक दो के संगठन से उन्होंने और उमंग आएगा। ऐसे सेवा के प्रति इशारा देते, याद प्यार देते विदाई दी और हम साकार वतन में आ गई। अच्छा, ओम शांति। कल सुबह अमृत वेला 3:30 से 4:30, प्रातः मुरली क्लास 4:45 बजे और अवैतवाणी पर रात्रि क्लास 8:45 बजे। ओम शांति।